इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह चीफ की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसका लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं। हमले में नसरल्लाह की मौत की खबर है, नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक जो संकेत आ रहे हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे यही निकल कर सामने आ रहा है कि नसरल्लाह पर बड़ा हमला किया है इसराइल ने। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। और एक और बड़ी खबर, नसरुल्लाह की मौत के दावों पर हिज़्बुल्लाह चुप है, अभी तक कुछ नहीं कहा गया। 12 घंटे से हिज़्बुल्लाह ने कोई भी बयान जारी नहीं किया है, न खंडन किया है। हिज़्बुल्लाह ने अभी तक कोई खबर का खंडन नहीं किया है, ये बताया तक नहीं है कि क्या इस वक्त स्थिति है। तो क्या नसरुल्लाह मारा गया इसीलिए हिज़्बुल्लाह चुप है? 12 घंटे से कोई भी बयान नहीं है, अब तक खबर का खंडन तक नहीं किया है। तो क्या ये सच है कि नसरुल्लाह मारा गया इसीलिए खबर का खंडन नहीं किया जा रहा है? तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नसरुल्लाह जिंदा या मुर्दा। 10 बड़ी थ्योरीज कौन कौन सी हैं इस पूरे सवाल को लेकर, जरा उस पर भी गौर करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। 10 बड़ी थ्योरीज। पहला, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारा गया हसन नसरुल्लाह, ये पहली थ्योरी है जिसमें यह दावा किया जा रहा है। दूसरा, बचना नामुमकिन क्योंकि हमले के बाद हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। तीसरी थ्योरी ये आ रही है कि अगर वहां नसरुल्लाह मौजूद था तो मलबे में दबकर नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। चौथी थ्योरी जो सामने आ रही है, हमले के बाद हजारों टन का मलबा जमा दिख रहा है, ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं। और पांचवी थ्योरी जो सामने आ रही है, मौत की पुष्टि में कई दिन लग सकते हैं कि नसरुल्लाह मारा गया है नहीं। छठी थ्योरी की बात करें, हजारों टन मलबा हटाने में कई दिन लगेंगे तभी जाकर इस बात की पुष्टि हो पाएगी। सातवां, अगर नसरुल्लाह जिंदा होता तो मीडिया के सामने आता और अपने जिंदा होने का सबूत देता। आठवां, कि जिंदा होने का वीडियो अब तक रिलीज कर चुका होता नसरुल्लाह। जी हां, नौवीं थ्योरी सामने आ रही है, हिज़्बुल्लाह की चुप्पी से मौत पर सस्पेंस बढ़ा हुआ है, ये चुप्पी दरअसल खल रही है कि क्या आखिर है। और दसवीं थ्योरी, मोहम्मद दाइफ की मौत की पुष्टि में कई दिन लगे थे तो इसीलिए पुष्टि होने में वक्त लग सकता है। सिबास सर, आप देख रहे हैं 10 थ्योरी हमने बताई नसरुल्लाह के मौत को लेकर, आपका क्या असेसमेंट कहता है? जिस तरीके का ये हमला रहा है, जितना टारगेटेड रहा है, जिस तरह की इसकी प्लानिंग है, क्या इसमें नसरुल्लाह के जीवित होने की कोई संभावना है? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से ग्राउंड रियलिटीज बता रहे हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर हसन नसरुल्लाह के बचने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम है। अगर आप देखें, बहुत क्लेवरली इसराइल ने F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया, ना कि मिसाइल या रॉकेट्स का। उसकी वजह ये थी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल वो टारगेट पे पहुंच के उसने बंकर बस्टिंग जो बम डाले, वो बम इतने पावरफुल थे, जो बिल्डिंग के अंदर जो मीटिंग हो रही थी इसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। तो सच्चाई यह है, पहली बात, क्या उसके अंदर हसन नसरुल्लाह था मीटिंग में? वो बात साफ होगी, हाँ बिल्कुल था। क्या अगर वो मीटिंग में था और वो बिल्डिंग में था, तो ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से इन बम का इस्तेमाल किया, वो बहुत पावरफुल हैं, तो उनसे वो पूरी की पूरी नष्ट होगी बिल्डिंग, और उसके अंदर जो भी था वो मारा गया, चाहे उसकी लड़की थी या उसकी भाई था या और भी जो कमांडर थे, वो सब के सब एक प्रकार से मर चुके हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि अगर वो जिंदा होता तो वाकई कोई ना कोई डिनायल आता हिज़्बुल्लाह से, क्योंकि वो अपने जो कैडर है उसकी जो मोराल को हाई करना चाहते, वो दिखाते कि इसराइल ने अटैक तो किया मगर ये इसराइल का अटैक सक्सेसफुल नहीं हुआ और हसन नसरुल्लाह अभी भी जिंदा है। क्योंकि ये नहीं आया तो ये भी एक शक के दायरे में लगता है कि ये सच्चाई है कि हसन नसरुल्लाह मर गया। कहने का मतलब ये है निधि, अगर आप पूरे का पूरा एविडेंस देखो, इसमें लगता है कि कोई शक नहीं रह जाता कि हसन नसरुल्लाह जो कि मारा गया, और वो भी इसराइल ने जो एयरफोर्स से अपने स्ट्राइक किए पिन पॉइंट, और भी बैरूत में। एक चीज का ध्यान रखना, अभी तक वो बैरूत में हमले नहीं कर रहा था, वो सदर लबनान में कर रहा था जहां पर वो देख रहा था हिज़्बुल्लाह का गढ़ है, मगर जब वो हेडक्वार्टर पे उसने किया है तो ये भी बहुत क्लेवरली। लेकिन सर, जो रक्षा इसराइल के रक्षा विभाग के लोग अगर इतनी सेंसिटिविटी के साथ 24 घंटे सातों दिन लगे हुए थे, तो ये बात बताती है कि नसरुल्लाह कहीं ना कहीं मारा गया। इसराइल तो यही दावा कर रहा है।